नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शान फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक डोरी का। ये हमने मैचिंग कपड़े की बारीक डोरी बना रखी है और साथ ही एक मोटी डोरी सेम कपड़े की बना रखी है, जिसकी हम यहाँ पर कुछ कुंडियाँ बनाएंगे और इससे डिज़ाइन बनाकर आपको दिखाएंगे। और इसके लिए हमें चाहिए एक बुकरम का पीस, जिस पर हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बुकरम का साइज आपको बता देते हैं। बुकरम की लंबाई 11.5 इंच और चौड़ाई 8 इंच है। इसे हम बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। हमारे नेक की ब्रॉडनेस है 6 इंच, उसका आधा करने के बाद हम 3 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और 3 इंच का निशान हम नीचे भी इसी प्रकार से लगाएंगे। और उसके बाद डीपनेस का निशान 7 इंच, हम अपने नेक की लंबाई 7 इंच रख लेंगे और इन्हीं सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। और मिला लेने के बाद अब हम इस पर कुछ मार्क लगाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक हमने ये 1.25 इंच पीछे ले रखा है निशान। अब हम यहाँ से 3.5 इंच पर नीचे एक निशान और लगाएंगे इस प्रकार से, और इस निशान को हम ऐसे यहाँ पर ले जाएंगे और इसे इस प्रकार से, यह हमारा यहाँ पर निशान आ जाएगा। इसमें हम नीचे आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। और अब हमें बाहर की साइड आधा या 1.25 इंच मार्जिन और छोड़ लेना है और इसे ऐसे बाहर की साइड निशान लगा देना है। पहले हम अंदर की साइड की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद बाहर की साइड की कटिंग कर लेंगे। यह हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे कुर्ती के सेम कपड़े पर रखकर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप इसे प्रेस से भी चिपका सकते हो। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं है तो आप इसे सिलाई लगाकर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। हमने अपने नेक को सिलाई लगाकर कपड़े पर अटैच कर लिया है और साथ ही बाहर के कपड़े को 1/2 इंच अंदर की साइड बुकरम के ऊपर फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा दी है। और ये हमने बीच में एक सेंटर कट लगा लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे ऐसे। इसी प्रकार से हम एक सेंटर कट अपनी कुर्ती में भी लगा लेंगे और ये हमारी कुर्ती का सीधा भाग है। हम अपनी कुर्ती के सीधे भाग पर रखने के बाद अपने नेक को ऐसे सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं हिलेगा। हमने सेंटर में एक सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा देने के बाद अब हम अंदर की साइड के कपड़े की कटिंग कर देंगे 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर। उसके बाद गोलाई में ऐसे कट लगा लेंगे सिलाई तक। उसके बाद अपने नेक को ऐसे पलट लेंगे अंदर की साइड। और पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे
इससे हमारा नेक अच्छे तरीके से जम जाएगा और तुरपाई करने के बाद ये सिलाई हम उखेड़ देंगे। गले पर सिलाई लगा देने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ कुंडियाँ लगाएंगे। ये देखिए हमने मोटी डोरी की 1.5 इंच लंबी कुंडी ऐसे काट रखी है और इसे ऐसे मोड़ लेंगे और इसके नीचे ऐसे रखने के बाद 1/2 इंच बाहर की साइड इसे निकाल देंगे। ये ऊपर से जो 1/2 इंच हमने छोड़ा है ये हमारा कंधे में दब जाएगा और इसके बाद हमें अपनी सभी कुंडी यहाँ तक लगा देनी है और इसी प्रकार से यहाँ तक हम लगा देंगे 1.5 इंच लंबी कुंडी। ये देखिए ये हमारी कुंडी है, इसे हम ऐसे बीच से ऐसे मोड़ देंगे और 1/2 इंच की दूरी पर हम इसे लगाकर कन्नी की सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ तक अपनी कुंडियाँ लगा दी हैं और इसके बाद हम दूसरी साइड भी इसी प्रकार से कुंडी लगा देंगे। हमने अपने नेक के दोनों तरफ कुंडी लगा दी हैं और इसके बाद ये हमने एक कपड़े को बुकरम के ऊपर ऐसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने नीचे के डिज़ाइन के नीचे इस प्रकार से अपने गले को जमाते हुए एक निशान लगा देंगे ऐसे और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद 1 इंच बाहर की साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से अब हमें इसके ऊपर कुछ पट्टियां लगा लेनी हैं। ये हमारी पट्टी है जो हमने वेस्ट कपड़े से ले रखी है और कटिंग करने के बाद ऐसे बीच से फोल्ड की हुई है। ये हमने मैचिंग पट्टी ली हुई है, एक पट्टी मैचिंग है हमारी और एक सेम कपड़े की। तो सबसे पहले हम मैचिंग पट्टी यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और उसके बाद सेम पट्टी 1/2 इंच नीचे और इसी प्रकार से हम एक पट्टी मैचिंग और एक पट्टी सेम ऐसे रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और अपने नेक के नीचे रखकर इसे उसमें अटैच करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमारी सभी पट्टी का जो यहाँ पर दूरी है वो बराबर आनी चाहिए इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन में इसे लगाएंगे। अब हमें अपने नेक के नीचे इसे ऐसे रख देंगे। यहाँ पर और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर कन्नी की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा नीचे का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है
एक इंच छोड़ने के बाद इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे नीचे की साइड से। और इसके बाद हम साइड में आधा इंच की सिलाई और लगा लेंगे, इससे हमारी कुंडियाँ दब जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी कुंडी का पीछे का भाग भी अच्छी तरीके से सिलाई के नीचे दब गया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। दोनों सिलाई लगा देने के बाद अब हम अपनी पतली डोरी में ऐसे मैचिंग कलर का कपड़ा लेंगे और ऐसे इस प्रकार से डोरी को इसके नीचे रख देंगे और यहाँ पर होते हुए ऐसे सिलाई लगा देंगे। और ऐसे सीधा कर लेंगे। ये हमारी डोरी में फूंदने लग गए हैं, इसे आप छोटा या बड़ा किसी प्रकार से कैसा भी कर सकते हो। ये देखिए, और इसके बाद हम अपनी डोरी को नीचे की साइड से ऊपर तक इन कुंडियों में लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमें किस प्रकार से लगाना है, ये हमने एक बड़ी सुई ले रखी है और इसमें धागा भी है हमारा, आसान तरीका है। ऐसे इसे इसमें मजबूत गांठ लगा लेंगे और इसके बाद हम ऐसे कुंडी के बीच से सुई को ऊपर तक निकाल देंगे। ऐसे निकाल देने के बाद अब हम हल्के हल्के से अपने धागे को ऐसे खींच लेंगे और ये हमारी डोरी हमारी कुंडियों में चली जाएगी। ये देखिए, जितनी हमें लंबी डोरी लेनी है उतनी हम यहाँ पर रख लेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी अपनी डोरी लगा लेंगे। ये डोरी लगा देने के बाद अब हम जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है उसे हम अपने नेक के नीचे ऐसे दबा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी जो एक्स्ट्रा डोरी है वो कपड़े के नीचे दबा दी है और यहाँ पर हमने एक गांठ लगा दी है और इसी के साथ हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद भी अगर इस डिज़ाइन को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।